In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. I am Sehan Andaleep and I am going to teach you software engineering concepts. Till now, what we have learned, about waterfall model, then V model, spiral model, prototyping, agile, scrum, extreme programming, pair programming, and other process models. But today our content is about requirement engineering. We have shifted towards the towards gathering the requirements and processing them. So today our content is introduction to requirement engineering, its subdisciplines, process, requirement issues, and business analyst. So this is the full content. We are going to cover it today. So in requirement engineering, basically we process the requirements. First we gather the requirements, then we analyze them that either they are right or wrong for the project which we are going to make. So there are different perspective of the requirement. It is not like that ki ek person aata hai aur wo apni requirements likhwata hai aur wo means wo user requirement hai, functional hai, non functional hai ya business requirement hai ya kya hai. So it has different perspectives ki wo jo requirement likhwa raha hai wo kis category mein lie karenge. So business requirement hamare paas kya hoti hai, ye categories hai aapke paas requirements ki jo aap screen pe dekh rahe hain. बिजनेस रिक्वायरमेंट आपके पास एक हाई लेवल पर्सपेक्टिव होता है बिजनेस का कि आप वो प्रोजेक्ट एम क्या है उसका, आप क्यों बना रहे. सो दिस इज बिजनेस रिक्वायरमेंट, अ हाई लेवल बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट बिल्ड्स अ प्रोडक्ट और ऑफ अ कस्टमर हु प्रोक्योर्स इट. सो अ हाई लेवल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यानी जो प्रोजेक्ट बना रहा है और जिसने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाना है उसका एक हाई लेवल एम होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. फॉर दैट ही इज गोइंग टू मेक अ प्रोजेक्ट. देन फॉर अटेनिंग दोज ऑब्जेक्टिव्स वी हैव सम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. व्हाट इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट? इट इज बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बिहेवियर दैट अ सिस्टम विल एग्जिबिट अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस. इट मीन्स सिस्टम का कोई बिहेवियर होना चाहिए फॉर सर्टन इनपुट्स, कि सिस्टम किस इनपुट पे किस तरह का बिहेव कर रहा है उसकी डिस्क्रिप्शन आपके पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है. एंड व्हाट इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट? इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक दैट अ सिस्टम मस्ट एग्जिबिट और अ कॉन्स्ट्रेंट दैट इट मस्ट रिस्पेक्ट. तो मोस्टली इसमें आपके पास कॉन्स्ट्रेंट आ जाते हैं, जैसे टाइम कॉन्स्ट्रेंट है आपके पास, स्पेस कॉन्स्ट्रेंट है आपके पास, डिफरेंट क्लाइंट कॉन्स्ट्रेंट है आपके पास. सो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिस्टम के. ठीक है, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में ये होता है कि आपको ये बताया कि सिस्टम क्या क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है, क्या क्या काम कर रहा है, क्या क्या टास्क हो रहे हैं, लेकिन वो टास्क किस तरीके से सर अंजाम हो रहे हैं, किस कौन से कॉन्स्ट्रेंट उस पर लागू है. सो वो आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है. फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी आप इसको देख सकेंगे. सो अगर आपको याद हो तो इन वॉटरफॉल मॉडल इन आवर फर्स्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट SRS डॉक्यूमेंट. सो आई हैव टोल्ड यू दैट देयर इज एन SRS डॉक्यूमेंट, जिसको मैंने आपको बताया था कि एक बेस लाइन होती है. सो व्हाट इज दिस? बेसिकली बेस लाइन, BASELIN, बेस लाइन. सो software requirement specification means a document that contains the requirement in different perspectives in different forms. So aapke paas jo aapki SRS document hota hai wo aapke paas organization mein exist karta hai jiske andar requirements hoti hain, aur ye SRS industry mein ek hi exist kar sakta hai. Agar aapke paas multiple SRS ho ya requirement specification multiple hoti hain to wo ambiguity create karti hain, yani aap developer ko koi aur requirements de do, aap फिर उसको कुछ थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करो, मजीद उसको इनहेंस करो, एलैबोरेशन करो उसकी, और उसके बाद आप वो टेस्टर को दे दो, तो टेस्टर जो चीज टेस्ट कर रहा है वो डेवलपर्स ने बनाई नहीं होगी या फिर ज्यादा ठीक से नहीं बनाई होगी. सो वो डिफरेंट कंडीशन हो सकती हैं, इसलिए बेस लाइन एक कॉमन SRS होगी जो अराउंड आपकी इंडस्ट्री मूव कर रही होगी. सो बेस लाइन इज बेसिकली एन SRS, कॉमन SRS फॉर इंडस्ट्री एट वन टाइम. ठीक है. अच्छा, तो आपके पास SRS क्या होता है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है आपकी. रिलेशनशिप अमंग सेवरल टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन. सॉलिड एरो मींस आर स्टोर्ड इन, ये आपके पास सॉलिड एरोस हैं, इसका मतलब है स्टोर्ड इन. और उसके बाद आपके पास डॉटेड एरोस हैं, जिसका मतलब है ओरिजिन ऑफ.
सो बेसिकली आप अगर यहाँ पर देखें तो सबसे पहले आपने बिजनेस रिक्वायरमेंट कलेक्ट की, तो वो आपके पास एक डॉक्यूमेंट, यानी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स आर स्टोर्ड इन विजन एंड स्कोप डॉक्यूमेंट. विजन एंड स्कोप डॉक्यूमेंट आर द ओरिजिन ऑफ यूजर रिक्वायरमेंट. यूजर रिक्वायरमेंट तब क्रिएट होंगी जब आपके पास स्कोप डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, विजन डॉक्यूमेंट आपके पास होगा. उससे नेक्स्ट है कि यूजर रिक्वायरमेंट होंगी तभी उनको स्टोर किया जाता है यूजर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में, एक और डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है यूजर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट. यूजर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जब आपके पास आएगा, यानी यूजर क्या क्या फंक्शनलिटीज परफॉर्म कर रहा है उसके बिहाफ पे आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्रिएट करोगे. सो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के ओरिजिन क्या है, यूजर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट. ओरिजिन मीन्स यहाँ से ये प्रोड्यूस की जाती है. इसके अलावा सिस्टम रिक्वायरमेंट से भी प्रोड्यूस की जाती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. जब आपके पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट एक दफा आ जाती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपके पास SRS है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट. सो इस SRS को अचीव करने के लिए हम इन सब स्टेप से आते हैं, प्लस उसमें एक्सटर्नल इंटरफेसेस का जिक्र भी होता है, उसमें क्वालिटी एट्रीब्यूट्स का जिक्र भी होता है, उसमें कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स भी होते हैं. सो SRS के लिए आपको इन सारे मॉड्यूल से कवर होके ट्रेवल करके यहाँ पे आना पड़ता है. इट मीन्स फॉर SRS वी मस्ट हैव विजन, वी मस्ट हैव सम स्कोप, वी मस्ट हैव यूजर रिक्वायरमेंट्स, their goals, their objectives. So, इस तरीके से हम ये SRS जो है वो क्रिएट करते हैं. उसके डिफरेंट sections होते हैं जिन्हें हमें फिल करना होता है ताकि उन requirements को हम baseline कर सकें. Right? So, sub-disciplines software requirement engineering के क्या है? Requirement engineering के अंदर आप requirements को develop करते हो और requirements को manage करते हो. ठीक है? Requirement की development होती है पहले, फिर जब development हो जाती है यानी आप requirements gain करते हो, उसके बाद आप उन रिक्वायरमेंट्स को थ्रू आउट द प्रोजेक्ट मैनेज करते जाते हो. राइट? सो इस तरीके से आपके पास काम हो रहा होता है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग आपके दो सब डिसिप्लिन शो हो रहे हैं यहाँ पे. रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट, रिक्वायरमेंट्स को डेवलप किया, देन मैनेज किया. जब आप रिक्वायरमेंट्स को डेवलप करते हो तो उसमें ही आपके पास चार स्टेप्स हैं जो यू शुड हैव टू परफॉर्म फॉर रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट. मीन्स एलिसिटेशन है, एनालिसिस है, स्पेसिफिकेशन है, वैलिडेशन. इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट्स को एलिसिट करोगे, फिर एनालाइज करोगे, स्पेसिफाई करोगे, वैलिडेट करोगे. अब ये सब कैसे होगा, इनको हम स्टेप बाय स्टेप अभी नेक्स्ट स्लाइड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे. सो एलिसिटेशन क्या है? एलिसिटेशन इनकम्पासेस ऑल ऑफ द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड विद डिस्कवरिंग रिक्वायरमेंट्स सच एज इंटरव्यूज, वर्कशॉप्स, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, प्रोटोटाइपिंग एंड अदर्स. तो अगर आपको याद हो प्रोटोटाइपिंग में आपने पढ़ा था कि उसमें यूजर से जब हम रिक्वायरमेंट्स लेते हैं तो हम उसे कोई मॉडल शो करते हैं, उससे वो मजीद क्लैरिटी के साथ रिक्वायरमेंट्स हमें वापस रिटर्न करता है. सो बेसिकली एलिसिटेशन क्या है, इसमें सारी वो एक्टिविटीज इन्वॉल्व है जिसमें हम रिक्वायरमेंट्स को डिस्कवर करते हैं. रिक्वायरमेंट्स डिस्कवर कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, दैट कैन बी सॉर्ट ऑफ अ टाइप ऑफ व्हाट्सएप एप्लीकेशन, इट कैन बी अ टाइप ऑफ द पोर्टल सिस्टम, इट कैन बी अ टाइप ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, इट कैन बी टाइप ऑफ अ गेम जो कि यूजर पसंद करते हैं गेम्स खेलना. तो लेट्स सपोज कि आपके पास गेम्स, आपने कोई नई गेम बनानी है तो आपको कैसे पता लगेगा कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, मुझे कौन सी गेम बनानी चाहिए, किस तरह की गेम मैं मार्केट में लेके आऊं दैट कैन एक्सेल इन द मार्केट. सो बेसिकली फर्स्ट यू हैव टू गैदर द रिक्वायरमेंट्स. तो रिक्वायरमेंट्स आप कैसे लेते हो, सबसे पहले आपने अपनी ऑडियंस को देखना है कि किन के लिए मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ. अब जाहिर बात है अगर आप गेम बना रहे हैं तो द ऑडियंस शुड बी गेम लवर्स. तो जो गेम पसंद करते होंगे वही आपको बता सकते हैं कि उन्हें किस टाइप की गेम ज्यादा पसंद है. फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कहता है कि मुझे फाइटिंग गेम बहुत पसंद है, तो आपने वो रिक्वायरमेंट नोट डाउन कर दिया. ये बेसिकली आप एक तरह से कह रहे हो कि मार्केट में आप एक सर्वे की तरह चल रहे हो. फिर आप उससे ये पूछ सकते हैं कि अगर आपको फाइटिंग गेम पसंद है तो उसमें आप किस किस तरह के टास्क परफॉर्म करते हो, कैसे परफॉर्म करते हो. ये तो उन प्रोडक्ट्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ जो आपने मार्केट में लेके आने हैं. बाज दफा क्लाइंट आपके पास खुद आता है अपनी रिक्वायरमेंट्स को लेके, सो उससे रिक्वायरमेंट्स निकलवाने का या उगलवाने का कोई डिफरेंट तरीका होगा. जैसे आप उससे इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हो, आप उसको कोई क्वेश्चनेयर बना के दे सकते हो, आप उसको प्रोटोटाइपिंग दिखा सकते हो. सो दिस इज हाउ वी एलिसिट द रिक्वायरमेंट्स, वी डिस्कवर द रिक्वायरमेंट्स इन अ वे. आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड यूजर क्लासेस एंड अदर स्टेक होल्डर. फिर इस फेज में हम ये देखते हैं कि प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेड यूजर क्लासेस कितनी होंगी, कौन कौन यूजर होंगे इस एप्लीकेशन या इस सॉफ्टवेयर के, बाकी स्टेक होल्डर्स कौन होंगे. सो स्टेक होल्डर्स कौन है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं या हो रहे होते हैं इस सिस्टम से.
तो आपने क्या करना है, यूजर क्लासेस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन एंड यूजर होंगे, यानी एंड पे इस सिस्टम को यूज करेंगे जब ये प्रोडक्ट बन जाएगा. अंडरस्टैंडिंग यूजर टास्क एंड गोल्स एंड द बिजनेस ऑब्जेक्टिव विद विच दोज टास्क अलाइन. सो इस स्टेप में बेसिकली आप पर्पस फाइंड कर रहे होते हो कि व्हाई आई शुड गैदर द रिक्वायरमेंट फॉर सर्टन प्रोडक्ट फॉर मीटिंग द सर्टन ऑब्जेक्टिव. सो उस टास्क को, उस गोल को आपने अंडरस्टैंड करना है. देन यू हैव टू लर्न अबाउट द एनवायरमेंट इन विच द न्यू प्रोडक्ट विल बी यूज्ड. इट मीन्स जिस एनवायरमेंट के अंदर उस प्रोडक्ट को यूज किया जाएगा उसके बारे में भी नो हाउ होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि आप जिस एनवायरमेंट में वो डिप्लॉय होने जा रहा है यू आर अनअवेयर ऑफ दैट और आप उस सिस्टम को फिर अच्छे तरीके से नहीं बना पाओगे. Then the last point is working with individuals who represent each user class to understand their functionality needs and their quality expectations. So basically time to time आप meeting conduct करते रहते हो उन users के साथ जो end पे उस product को use करेंगे. जब तक वो आपको feedback नहीं देते या जब तक कि आपको वो requirements नहीं बता रहे हैं या feedback नहीं दे रहे हैं कि किस तरह की application वो चाह रहे हैं, तब तक जैसे आप prototype लेते हो तो you take feedback. So जब तक ये चीज़ नहीं होती आप तब तक उन फंक्शनैलिटीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, क्वालिटी आपकी मीट नहीं हो सकती. सो रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन में, यानी जो हमने ये सारा स्टेप्स हमने देखे हैं, एलिसिटेशन में जो मेन पॉइंट है वो आपका क्या है, सब कुछ अंडरस्टैंड करना, गोल्स को सेट करना, ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंड करना, अपने यूजर्स के बारे में जो एंड यूजर्स होंगे उनके लिए नो हाउ रखना. सो ये पॉइंट्स अपने ध्यान में रखने हैं फॉर एलिसिटेशन. ओके, देन व्हाट इज द नेक्स्ट, that is analysis. So analysis kya hai, basically analyzing the information received from the user to distinguish their task goal from functional requirement, quality expectations, business rules, suggested solutions and other information. So analysis mein basically humne kya karna hai ki jab hamare paas functional requirements hongi to humne unko users jo performance apni denge ya users us system ke sath jis tarike se map ho rahe hain wo humne identify karna hoga. यानी कौन सा यूजर सिस्टम को किस तरीके से यूज कर रहा है. लेट सपोज इट इज अ स्टूडेंट टीचर पोर्टल सिस्टम, ऑब्वियसली इसके यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं, स्टूडेंट भी है टीचर भी है. सो टीचर के अपने गोल्स होते हैं, स्टूडेंट के अपने गोल्स होते हैं. सारे गोल्स जब आप आइडेंटिफाई कर लो तो असाइन कर लो कि कौन से स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है, कौन से टीचर परफॉर्म कर रहा है. सो दिस इज हाउ एनालिसिस वर्क, मीन्स यू आर एनालाइजिंग कि यूजर कौन है और कौन से फंक्शनल टास्क उनको देने चाहिए. Then what it is, decomposing high level requirements into an appropriate level of detail. Means basically what you are going to do, आपके पास high level requirements है in the form के आप ये कह लो कि आपके पास business requirements है, आपके पास system requirements है जो आपने hierarchy में पहले यहाँ पे आप देख चुके हैं. ये अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपकी business requirements है, user requirement ये high level है. जब आप इनको break down कर दो आप इसको मजीद grind करके functional requirements को extract कर सकते हो. So, यही लिखा है यहाँ पे कि what you have to do, you have to decompose high level requirements into appropriate level of detail, ताकि detail level आपके पास आ जाए, आपको पता हो कि कौन सा task perform कर रहा. Then deriving functional requirements from other requirements information, जितनी भी आपके पास requirements है उनमें से आप functional requirements को extract करो. Understanding the relative importance of quality attributes, quality attributes आपके पास होते हैं, आप उनकी अंडरस्टैंडिंग लो, मतलब आप उनके इंपॉर्टेंस देखो. हर सिनेरियो में क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, इस पर भी बाद में बात होगी, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हर तरीके से, हर पर्सपेक्टिव, मतलब हर प्रोजेक्ट में डिफरेंट पर्सपेक्टिव से यूज होते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट कि ऑल द क्वालिटी एट्रीब्यूट्स शुड बी डिप्लॉयड इन अ सर्टेन प्रोडक्ट, देयर शुड बी सर्टेन वेज. देन एलोकेटिंग रिक्वायरमेंट्स टू सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स डिफाइंड इन द सिस्टम आर्किटेक्चर. तो इसमें जाहिर बात है आपने कोई सिस्टम का आर्किटेक्चर या मैप बनाया हुआ है तो आपने ये बताना है कि उस मैप में से कौन सा कंपोनेंट कौन सी ड्यूटी परफॉर्म करेगा, कौन सा कंपोनेंट कौन सी ड्यूटी. जिस तरह आप देखें कि अगर यूनिवर्सिटी है लेट्स सपोज, तो देयर इज एन एडमिन स्टाफ, टीचर्स, स्टूडेंट, एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सो ऑन. सो हर डिपार्टमेंट का बेसिकली अपना रोल है. तो इसी तरह से आप जब सॉफ्टवेयर बनाते हो तो आर्किटेक्चर होता है और हर आर्किटेक्चर में कंपोनेंट, हर कंपोनेंट का कोई अपना रोल होता है. तो वो उस रोल को आप असाइन करो, एनालिसिस में होगा. उसके बाद है निगोशिएटिंग इम्प्लीमेंटेशन प्रायोरिटीज, कि आपने ये देखना है कि इसमें जो सबसे ज्यादा पहले हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए या जो इम्पोर्टेंट चीज है वो कौन सी है, तो उसके बारे में थोड़ी सी आप निगोशिएट करो.
प्रायोरिटी सेट करो कि सबसे पहले कौन से टास्क डेवलप करवाने। एंड द लास्ट इज आइडेंटिफाइंग गैप्स इन रिक्वायरमेंट्स और अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स एज दे रिलेट टू द डिफाइंड स्कोप। तो रिक्वायरमेंट्स के अंदर कोई गैप आ रहा है, लेट्स सपोज दो यूजर्स हैं और सेम टास्क उन्होंने परफॉर्म करना है, लेकिन एक यूजर एक रिक्वायरमेंट दे रहा है, दूसरी यूजर उससे डिफरेंट रिक्वायरमेंट कोई सेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली देयर इज एन एम्बिग्विटी। इसके अलावा कोई अननेसेसरी रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, अगर नॉन टेक्निकल पर्सन है तो ऑब्वियसली वो आपको जो रिक्वायरमेंट दे रहा है दैट मे हैव सम अननेसेसरी कंटेंट, सो यू हैव टू रिमूव दैट बिकॉज यू आर द टेक्निकल पर्सन एंड यू आर गोइंग टू मेक द प्रोडक्ट, राइट। सो इस तरीके से रिक्वायरमेंट्स को क्लीन अप करना पड़ता है, रिक्वायरमेंट्स को क्लीन करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। तो आपने वो गैप्स आइडेंटिफाई करनी है, अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स को रिमूव करना। सो हर प्रोडक्ट का कोई ना कोई एम या उसमें कोई ऑब्जेक्टिव होता है। लेट्स सपोज हम चैटिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसके नेसेसरी कंपोनेंट्स कौन से होंगे कि हम कहेंगे कि हाँ चैट होनी चाहिए, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ग्रुप चैट होनी चाहिए, कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल होनी चाहिए। इसके अलावा आप जो है वो सेटिंग्स कर सकते हो, इसके अलावा जो है आप स्क्रॉल अप करो, सारे जो फ्रेंड्स हैं लिस्ट बनाओ, कॉन्टेक्ट्स को ग्रुप्स में लेके जाओ, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट अगर आपको कहा जाए कि इसके अलावा इसी चैटिंग एप्लीकेशन में एक छोटी सी गेम भी रख लेते हैं ताकि यूजर उस गेम को भी खेले, सो अब ये दोनों चीजें आपस में मैप किसी तरीके से भी नहीं होती। अगर कोई नॉन टेक्निकल होता है तो वो इससे भी ज्यादा स्ट्रेंज तरह की रिक्वायरमेंट्स लिखवा सकता है। सो आपने उसको क्लियरली आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये उसके स्कोप और विजन से आइडेंटिफाई हो रही है। इफ दैट इज देन यू हैव टू अप्रूव दैट, अदरवाइज यू हैव टू टेल हिम कि ये रिक्वायरमेंट्स आपके प्रोडक्ट के लिए सूटेबल नहीं है, बिकॉज दिस इज योर स्कोप, दिस इज योर विजन, देन हाउ कैन वी मेक दीज रिक्वायरमेंट्स और अकम्पलिश दोस रिक्वायरमेंट्स। सो दिस इज हाउ एनालिसिस वर्क्स। Other step is specification. Requirement specification involves representing and storing the collecting requirements knowledge in a persistent and well-organized fashion. So, specification में आप अपने requirements को represent कर रहे हो, store कर रहे हो। तो आपने जो requirements ली हैं, सबसे पहले आपने उनको discover किया, फिर उसके बाद उन discovered requirements को analyze किया। अब एनालिसिस के बाद आप उनको स्पेसिफाई करोगे, मींस दैट शुड बी प्रेजेंट इन द रिटन फॉर्म ताकि आप उसको यूज कर सको। सो उसके लिए आप क्या करते हो कि नॉलेज जो आपका रिक्वायरमेंट नॉलेज होता है उसको रिप्रेजेंट करते हो, स्टोर करते हो। इसमें मेन एक्टिविटी आपकी है क्या कि ट्रांसलेटिंग द कलेक्टेड यूजर नीड्स इनटू रिटन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स रिटन फॉर्म में आप ले आए, एंड डायग्राम्स सूटेबल फॉर कम्प्रीहेंशन, और कुछ डायग्राम्स जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड डायग्राम्स हैं दैट विल बी स्टडीड लेटर, वो आप बनाते हो। जैसे आपका, मैं आपको सिंपल बता दूं तो फ्लो चार्ट, जैसे फॉर प्रोग्रामिंग आप फ्लो चार्ट बनाओ, उसमें आप सीक्वेंस आइडेंटिफाई करते हो, सेम लाइक आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी कुछ डायग्राम्स बनाते हो जिससे फ्लो इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो वो फ्लो या वो डायग्राम्स जो है वो सूटेबल होती है कम्प्रीहेंशन के लिए। तो ये आप स्पेसिफिकेशन में करते हो कि रिटन रिक्वायरमेंट्स लिखते हो, रिक्वायरमेंट्स को लिखने के बाद उनको रिटन फॉर्म में लाने के बाद डायग्राम्स बनाते हो, review and used by their intended audiences. review करते हो और ये देखते हो कि इसको use कौन करेगा, intended audiences आपके कौन है और किस तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है validation. requirements validation confirms that you have the correct set of requirement information that will enable developers to build a solution that satisfies the business objective. so basically वैलिडेशन क्या पार्ट है, वैलिडेशन कंफर्मेशन है कि आपके पास करेक्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स मौजूद है, कोई ऐसी एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट तो नहीं, कोई रिक्वायरमेंट में गैप तो नहीं है। तो इस तरीके से आप बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ मैपिंग चेक करते हो कि क्या आपके बिजनेस गोल्स जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट्स के साथ वैलिडेट हो रहे हैं या नहीं। इसमें जो एक्टिविटीज आपके पास आती है यानी वैलिडेशन में, रिव्यूइंग द डॉक्यूमेंटेड रिक्वायरमेंट्स टू करेक्ट एनी प्रॉब्लम्स बिफोर द डेवलपमेंट ग्रुप एक्सेप्ट्स देम। अब ये थोड़ा क्रिटिकल फेज होता है, क्यों, बिकॉज आपने सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स को डिस्कवर किया, देन यू हैव एनालाइज्ड दोज रिक्वायरमेंट्स एंड नाउ दे आर इन रिटन फॉर्म। जब भी रिक्वायरमेंट्स रिटन फॉर्म में आती हैं, यानी SRS बनता है आपके पास, वो SRS जाता है डेवलपर के पास, डेवलपर डिजाइनर के पास, डिजाइनर उससे डिजाइन करके डेवलपर को देते हैं। सो डिजाइन बेसिकली डिजाइन भी रिक्वायरमेंट्स को एलैबोरेट करते हैं। सो बेसिकली जब डेवलपर के पास एक डॉक्यूमेंट पहुंचता है तो उससे पहले पहले आपने सारा एनालिसिस करना होता है कि कोई एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट तो नहीं है, यानी कोई फंक्शनैलिटी ऐसे ना हो जो ओवरलैप कर जाए, इनकम्प्लीट रह जाए, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल।
आपने उस डॉक्यूमेंट को बार बार रिव्यू करना है ताकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन डेवलपर तक पहुंचे. सो व्हाट इट इज, इट इज टू रिव्यू द डॉक्यूमेंटेड रिक्वायरमेंट्स टू करेक्ट एनी प्रॉब्लम्स बिफोर द डेवलपमेंट ग्रुप एक्सेप्ट्स देम. उसके बाद क्या है, डेवलपिंग एक्सेप्टेंस टेस्ट एंड क्राइटेरिया टू कंफर्म दैट अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स वुड मीट कस्टमर नीड्स एंड अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव. सो बार बार वही बात रिपीट हो रही है कि कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग और बिजनेस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपकी रिक्वायरमेंट्स मैप होती है या नहीं. सो अपने रिक्वायरमेंट्स को बेसिकली यहाँ पर वैलिडेट करना है. वैलिडेशन के बाद ही रिक्वायरमेंट्स फिक्स होती है. फॉर दैट आइट्रेशन इफ यू आर यूजिंग आइट्रेटिव इंक्रीमेंटल्स एंड स्पायरल एंड जो भी आप, अलबत्ता अगर आपके पास वाटरफॉल है तो आप रिक्वायरमेंट्स जब वैलिडेट करते हो तो वो फिक्स हो जाती हैं और वो हमेशा वही रिक्वायरमेंट्स आपके प्रोडक्ट में रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं. इसीलिए आप वाटरफॉल पे ज्यादा टाइम लगाते हो ताकि रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट करते हो, एनालाइज करते हो, उस पर ज्यादा टाइम लगाते हो रिक्वायरमेंट्स पे, ताकि वो एक दफा क्योंकि फिक्स हो जाती हैं तो फिर उसके बाद वो रेक्टिफाई नहीं हो सकती. सो बाकी जो आइटरेटिव डेवलपमेंट इंक्रीमेंटल होती है, इसमें जाहिर बात है आप जो है वो वैलिडेट करने के बाद भी उनको चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो. सो दिस इज हाउ द फोर फेजेस वर्क. व्हाट वर द फोर फेजेस? एलिसिटेशन, एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन एंड वैलिडेशन. सो इन दिस फेज यू हैव डिस्कवर्ड द रिक्वायरमेंट्स, यू हैव एनालाइज्ड द रिक्वायरमेंट्स, देन यू हैव ब्रिंग द रिक्वायरमेंट्स इन टू रिटन फॉर्म. And after specifying the requirements, you are going to test the requirements, either they are a correct set of requirements or not. So these are the four steps which you need for requirement development. Once the requirements are developed, obviously you have to manage the requirements, right? So requirement engineering implications kya hai? Why it is important? Why requirement engineering is important? So this is a paragraph, I will read it aloud. The hardest single part of a building of building a software system is deciding precisely what to build. No other part of the conceptual work is as difficult as establishing the detailed technical requirements, including all the interfaces to people, to machines, and to other software systems. No other part of the work so cripples the system if done wrong. No other part is more difficult to rectify later. सो बेसिकली ये पैराग्राफ क्या रिफ्लेक्ट करता है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. इंपॉर्टेंट किस सेंस में होती हैं कि एक दफा रिक्वायरमेंट्स आप जब बिल्ड करते हो उसका ही इफेक्ट आपका डेवलपमेंट में, टेस्टिंग में, हर चीज के ऊपर वहां पर रिपल हो रहा होता है. आपका सारा इफेक्ट जो रिक्वायरमेंट्स का है वो आगे सारे फेजेस पे पड़ रहा होता है. सो इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को क्लीन रखो, रिक्वायरमेंट्स को फिक्स कर दो. फिक्स और क्लीन इसका मतलब है कि वही रिक्वायरमेंट्स आपने उस प्रोडक्ट के अंदर रिफ्लेक्ट करवानी है. और कोई काम इतना मुश्किल नहीं है जितना रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना, जिसे हम लाइट समझते हैं. हम कहते हैं रिक्वायरमेंट्स तो इतना इश्यू नहीं है, डेवलपमेंट मुश्किल है, टेस्टिंग मुश्किल है, बट इट इज नॉट लाइक दैट. इफ यू हैव गैदर्ड रिक्वायरमेंट्स इन अ वेल मैनर, इन अ वेल वे, इन अ गुड वे, ऑब्वियसली क्या होगा, वही रिक्वायरमेंट डिजाइन बनेंगी. डिजाइन से ही डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट से ही टेस्टिंग होगी. सो सारे फेजेस आपके अच्छे जाएंगे. अगर आप गलती करोगे रिक्वायरमेंट्स में, सो इतने दूर यानी टेस्टिंग फेज से दोबारा रिक्वायरमेंट्स पे आना या मेंटेनेंस से दोबारा रिक्वायरमेंट्स पे आना बहुत कॉस्टली होता है. सो उससे बचने के लिए यू हैव टू कीप योर रिक्वायरमेंट्स क्लीन. नो अदर पार्ट इज मोर डिफिकल्ट टू रेक्टिफाई लेटर. कोई पार्ट रेक्टिफाई करना इतना मुश्किल नहीं है जितना रिक्वायरमेंट्स में चेंज लाना मुश्किल है. सो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग is definitely a very very important in software development. अब requirements हम लेते हैं user से. user technical as I told के हो सकता है, non technical हो सकता है, लेकिन हम bad requirements क्यों ले लेते हैं, why? So we have different things, different solution for different problems for it. कि क्यों 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 हमारे पास requirements जो है वो सही तरीके से gather नहीं हो पाते. उनमें से कुछ ये हैं कि इनसफिशिएंट यूजर इन्वॉल्वमेंट, कि यूजर को आपने इन्वॉल्व ही नहीं किया. लेट्स सपोज वाटरफॉल मॉडल है, एक ही बार यूजर को इन्वॉल्व किया एंड देन यू हैव सेड कि वी आर यूजिंग वाटरफॉल मॉडल, दैट्स व्हाई यू आर आउट, एंड वंस वी डिलीवर द प्रोडक्ट यू कैन सी दैट. सो इट्स नॉट अ गुड अप्रोच. यूजर की इन्वॉल्वमेंट सफिशियंट होनी चाहिए ताकि वो जो काम करना चाह रहा है, जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहा है, उसके रिक्वायरमेंट्स टाइम टू टाइम देता रहे. और जब वो टाइम टू टाइम अपने रिक्वायरमेंट्स बताता जाएगा, उसके बेहतरीन हल, जो रिक्वायरमेंट जिसमें सबसे अच्छी आती है, जैसे प्रोटोटाइप,
तो रिक्वायरमेंट्स एक्सट्रैक्शन जब अच्छी होगी तो जैसे मैंने कहा सारे फेजेस भी अच्छे बनेंगे और प्रोडक्ट भी कस्टमर के अकॉर्डिंग बनेंगी और वो सेटिस्फाई भी होगा। उसके बाद है कि आपकी प्लानिंग इनोक्यूरेट है रिक्वायरमेंट्स की, क्या आपने प्लान अच्छा नहीं किया कि किस तरीके से रिक्वायरमेंट्स लेनी है, क्यों रिक्वायरमेंट्स लेनी है, रिक्वायरमेंट्स का तरीका एकार क्या होगा। अब लेट सपोज कि आप जैसे गेम आप खेलते हो तो आपने वो ही कोई गेम स्टेब्लिश करनी है, बिल्ड करनी है और यूजर्स के लिए, तो जाहिर बात है आपने उन गेम वाले ऑडियंस को ही टारगेट करना है। अगर आप ऐसे ऑडियंस को टारगेट करोगे जो कि गेम ही नहीं खेलते, आपकी प्लानिंग इनएक्यूरेट है, तो ऑब्वियसली आपके पास रिजल्ट भी एक्यूरेट नहीं आ सकते। इसके अलावा ये है कि आप पहले से ही ये प्लान कर लेते हो कि जिससे मैंने रिक्वायरमेंट्स लेनी है उसका प्रोसीजर क्या होगा। लेट सपोज आपके पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो आप उन सबका इंटरव्यू नहीं कंडक्ट कर सकते रिक्वायरमेंट्स लेने के लिए, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चनेयर क्रिएट करके एक सर्वे कर सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, आपकी प्लानिंग एक्यूरेट होनी चाहिए कि रिक्वायरमेंट्स कैसे ली जाए। इसके बाद है क्रीपिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स। सो क्रीपिंग यूजर रिक्वायरमेंट क्या है आपके पास? क्रीपिंग यूजर रिक्वायरमेंट मीन्स कि आप एक प्रोडक्ट अब बनाना स्टार्ट कर चुके हो, उसके बाद यूजर आके आपको अपनी रिक्वायरमेंट को मॉडिफाई करवा देता है। वो कहता है कि ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, ये ऐसे कर ले। जैसे प्रोटोटाइपिंग में होता है कि जब वो प्रोटोटाइप देखता है तो उसके जहन में आता है कि ये सही नहीं बन रही, मैं इसको चेंज करवा लूं। सो जब वो यूजर रिक्वायरमेंट चेंज होती रहेंगी, इसे हम कहते हैं क्रीपिंग यूजर रिक्वायरमेंट, कि आप डेवलपमेंट कर रहे हो और उधर से रिक्वायरमेंट चेंज हो गया। आप डेवलपमेंट फेज में इमेजिन दैट यू आर राइटिंग द कोड ऑफ द रिक्वायरमेंट्स यू हैव गैदर्ड, लेकिन अब रिक्वायरमेंट्स अपडेट हो गई हैं, चेंज हो गई, सो वो अब उस तरीके से फिट तरीके से डेवलप नहीं हो सकेंगे, या तो कुछ ओवरलैप होगा या कोई रिक्वायरमेंट मिस हो जाएंगी। सो दिस इज बेसिकली क्रीपिंग यूजर रिक्वायरमेंट, कि क्रीपिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स की वजह से ये सब हो रहा है, यूजर की रिक्वायरमेंट्स टाइम टू टाइम जो चेंज हो रही है। उसके बाद है एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट्स। लेट्स सपोज देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज दैट यूजर आपको बताते हैं कोई रिक्वायरमेंट्स और वो एम्बिगुअस होती है, जो आप समझ रहे होते हो वो नहीं होती, तो आप क्लैरिफाई नहीं कर पाते हो कि ये रिक्वायरमेंट मुझे जो दे रहा है ये क्या कहना चाह रहा है। ये जैसे वो कह दे कि मैंने लेट्स सपोज एक चैटिंग एप्लीकेशन बनानी है, तो वो कॉन्फ्रेंसिंग का बोले एंड कॉन्फ्रेंसिंग उसके जहन में एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, आपके नजदीक चैटिंग वाला वही कॉन्फ्रेंसिंग है जो कॉल्स करते हैं कॉन्फ्रेंसिंग की, और वो कुछ डिफरेंट चीज बता रहे हैं। सो एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट्स इस तरीके से जब डेवलपर उसको डेवलप करेगा, टेस्टर के जहन में वो अलग रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो कहेगा ये किस तरह से ये डेवलप हुआ। सो हर कोई उन रिक्वायरमेंट्स को एम्बिगुअस तरीके से एक्सेप्ट करे। सो स्पेसिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, आप जो रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करते हो, लिखते हो, रिटन फॉर्म में लेके आते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रिक्वायरमेंट्स ताकि एम्बिगुअस ना रहे, तो आपने रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से स्पेसिफाई करना। द नेक्स्ट वन इज गोल प्लेटिंग। गोल प्लेटिंग मीन्स कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लेट्स सपोज डेवलपर हो, आपके पास यूजर आता है और यूजर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देता है, रिक्वायरमेंट्स लिखवाता है, आप अब वो रिक्वायरमेंट्स लिखते हो और कुछ टाइम बाद आपको एहसास होता है कि इसने जो रिक्वायरमेंट्स लिखवाई है दे आर समवट बोरिंग, या उसमें कोई इतना अच्छा नहीं है, क्यों ना मैं इसे मजीद बेहतर कर दूं, तो आप अपने से कुछ और चीज उसमें ऐड कर देते हो उसकी फंक्शनैलिटी को इन्हांस करने के लिए, ये कि शायद यूजर को अच्छा लगेगा, वो सेटिस्फाई होगा। बट उस अब सिनेरियो को सोचे कि जब यूजर आकर ये कहता है कि ये आपने ऐसे क्यों किया, ये रिक्वायरमेंट आपने क्यों डाली है, ये तो मैंने नहीं कही थी। सो जितना टाइम आपने उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में लगाया जो यूजर ने कही ही नहीं थी, बताई नहीं थी, आप सोचे वो सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाए। सो गोल प्लेटिंग क्या है कि आप खुद से जब रिक्वायरमेंट्स को इंट्रोड्यूस कर दो, जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर होते हैं मोस्टली जब वो देखते हैं कि ये सही से रिक्वायरमेंट्स नहीं बता रहा, तो वो अपने से कुछ रिक्वायरमेंट्स लिख लेते हैं, दैट इज बेसिकली गोल प्लेटिंग, लेकिन वो अक्सर वो चीज नहीं होती जो यूजर चाह रहा होता है, तो इस तरीके से वो एफर्ट जो होती है आपकी वो लॉस हो जाती है। एंड द नेक्स्ट इज ओवरलुक्ड स्टेक होल्डर्स। इट मीन्स जब आप रिक्वायरमेंट्स लिख रहे हो आपने स्टेक होल्डर्स को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है, इग्नोर नहीं करना किसी स्टेक होल्डर को, ठीक है, निग्लेक्ट नहीं करना किसी स्टेक होल्डर को। फॉर एग्जाम्पल पोर्टल है तो उसमें स्टूडेंट, टीचर, एडमिन, आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट के सेक्शंस के हेड्स और आपके पेरेंट्स, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन वो लोग भी होते हैं जो आपके ये जो आपके रोल नंबर होते हैं वो डेटा एंटर करते हैं। हाउ कैन यू निग्लेक्ट दैट यूजर और दैट स्टेक होल्डर। इसके अलावा आपके स्टेक होल्डर्स आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज भी होती हैं जो रूल्स पास करती हैं कि किस सॉफ्टवेयर को किस तरीके से बनाना है, ठीक है, तो वो भी आपके स्टेक होल्डर्स है। जैसे मैंने आपको कहा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं या कर रहे होते हैं।
सो वो स्टेक होल्डर्स आपने उनको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना और किसी भी स्टेक होल्डर को निगलेक्ट नहीं करना, अदरवाइज मिसिंग रिक्वायरमेंट्स मिस हो जाएंगी और कुछ मिसिंग रिक्वायरमेंट्स की वजह से आगे कोई प्रॉब्लम हो सकता है या फिर गड़बड़ आ सकती है. नाउ बिजनेस एनालिस्ट. सो बिजनेस एनालिस्ट इज वेरी मच एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन इंडस्ट्री दैट बेसिकली गैदर्स द रिक्वायरमेंट. इट इज अ प्रोजेक्ट रोल, इट्स नॉट अ जॉब टाइटल एज इट इज मेंशन्ड. कि ये कोई रोल, प्रोजेक्ट रोल है, जॉब टाइटल नहीं है. मीन्स किसी वक्त कोई डिवेलपर भी बिजनेस एनालिस्ट हो सकता है. सो इट डिपेंड्स कि आप रिक्वायरमेंट इंजीनियर या बिजनेस एनालिस्ट किस बंदे को बना रहे हैं. तो इंडस्ट्री में वो उस बंदे को चुनते हैं बिजनेस एनालिस्ट के लिए जिसे उस चीज की नॉलेज होती है, उस सॉफ्टवेयर की नॉलेज होती है और उन्हें पता होता है कि ये यूजर से रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट करके ला सकता है, इसे समझ आएगी. सो सिनोनिम्स फॉर बिजनेस एनालिस्ट इंक्लूड रिक्वायरमेंट एनालिस्ट. हम बिजनेस एनालिस्ट को रिक्वायरमेंट एनालिस्ट भी कह सकते हैं. हम बिजनेस एनालिस्ट को सिस्टम एनालिस्ट भी कह सकते हैं. हम बिजनेस एनालिस्ट को रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर भी कह सकते हैं. हम बिजनेस एनालिस्ट को रिक्वायरमेंट्स मैनेजर भी कह सकते हैं. हम बिजनेस एनालिस्ट को एप्लीकेशन एनालिस्ट भी कह सकते हैं. और हम बिजनेस एनालिस्ट को बिजनेस सिस्टम्स एनालिस्ट भी कह सकते हैं, आईटी बिजनेस एनालिस्ट भी कह सकते हैं या सिंपली एनालिस्ट भी कह सकते हैं. सो ये सारे सिनोनिम्स हैं, चाहे हम इनमें से कोई भी नाम यूज करें, इट मींस दैट ही इज अ रिक्वायरमेंट इंजीनियर और अ बिजनेस एनालिस्ट जो एनालाइज करता है उन रिक्वायरमेंट्स को. ठीक है, तो ये कुछ सिनोनिम्स थे. और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बिजनेस एनालिस्ट एक प्रोजेक्ट रोल है. हर एक प्रोजेक्ट के लिए अगर डेवलपर बिजनेस एनालिस्ट है तो दूसरे प्रोजेक्ट के लिए शायद कोई प्रोजेक्ट मैनेजर हायर कर लूँ या फिर शायद कोई और डेवलपर हायर कर लूँ. सो बिजनेस एनालिस्ट प्रॉपर एक जॉब नहीं है जो इंडस्ट्री के अंदर असाइन हो कि ये बंदा बिजनेस एनालिस्ट है फॉर ऑल दी प्रोजेक्ट्स. नो, फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट देयर आर डिफरेंट बिजनेस एनालिस्ट विच यू चूज कि वो उस पे फिट आता है, उसके लिए ये जॉब फिलहाल इस प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा सुटेबल. सो बिजनेस एनालिस्ट के डिफरेंट टास्क होते हैं. बिजनेस एनालिस्ट क्या क्या करता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या रोल उसका होता है? साइज एंड कम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन देता है, रिक्वायरमेंट्स का स्टेटस बताता रहता है प्रोजेक्ट मैनेजर को. जो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कर रहा होता है उसे बिजनेस रिक्वायरमेंट्स बताता है. जो यूजर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिन्हें एंड पे यूज करना होता है प्रोडक्ट, वो उनको यूजर रिक्वायरमेंट्स उनसे एक्सट्रैक्ट भी करता है और उनको यूजर रिक्वायरमेंट से आगाह भी करता है. उसके अलावा और अगर कोई स्टेक होल्डर्स हैं तो उनको उनकी एक्सपेक्टेशन और कॉन्स्ट्रेंट को भी नोट डाउन कर लेता है. या आप देख सकते हैं ये बाई डायरेक्शनल, मीन्स इफ द इन्फॉर्मेशन इज गोइंग इट इज ऑल्सो कमिंग. इसके अलावा फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट टेस्टिंग को ये बताता है कि इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग टेस्ट कर सके. डेवलपर को भी इसी तरीके से फंक्शनल नॉन फंक्शनल बताता है कि उसने क्या टास्क परफॉर्म करने हैं और कौन से नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो उसने टास्क जो है वो परफॉर्म करके उस तरीके से डेवलपमेंट देंगे. सो बिजनेस एनालिस्ट के ये सर्टेन टास्क हैं जो वो मतलब डिफरेंट स्टेक होल्डर्स और डिफरेंट डेवलपमेंट टीम को डिफरेंट तरीके से बता रहा होता है. हर एक अपना पर्सपेक्टिव है. यूजर रिक्वायरमेंट है तो यूजर रिप्रेजेंटेटिव है, फंक्शनल नॉन फंक्शनल तो डेवलपर्स और टेस्टर्स हैं, एक्सपेक्टेशन और कॉन्स्ट्रेंट है तो स्टेक होल्डर्स है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को साइज और कम्प्लेक्सिटी की इन्फॉर्मेशन और रिक्वायरमेंट का स्टेटस बताता है कि वो फुलफिल हो रहे हैं नहीं हो रहे. इसी तरह से जो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, जो आपका क्लाइंट होता है, उनको बिजनेस रिक्वायरमेंट के साथ डिस्कशन करता है उसके लिए. तो बिजनेस एनालिस्ट किस किस को हम बना सकते हैं? उसके लिए हमारे पास है फॉर्मर यूजर, जो पहले से उस प्रोडक्ट का यूजर था, जो उस सिस्टम का यूजर था. अगर उसी तरीके का हम कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, जैसे चैटिंग एप्लीकेशन का कोई यूजर है, हम उससे पूछ सकते हैं कि और चैटिंग में क्या क्या चीजें इनहेंस हो सकती हैं, चैटिंग में क्या क्या होता है. सो वो बेसिकली यूजर है. फॉर्मर यूजर मीन्स वो पहले से उस प्रोडक्ट को यूज कर चुका है, तो वो कुछ अच्छे दूसरे से इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से गैदर कर सकता है. इस हर चीज, हर जिसको भी बिजनेस एनालिस्ट बनाएंगे, हर एक के कोई मीन्स ड्रॉबैक्स होंगे, कोई फायदे होंगे. सो जो पहले से यूज कर सकता है, ऑब्वियसली वो यूजर से रिक्वायरमेंट अच्छे तरीके से लेगा क्योंकि ऑलरेडी उसने वो प्रोडक्ट यूज किया हुआ है. लेकिन इसके कोई ड्रॉबैक्स हैं कि वो नॉन टेक्निकल है. जाहिर बात है, जरूरी नहीं है कि उसे टेक्निकल एस्पेक्ट पता हो. सो एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट्स लेके आ सकता है. इसके अलावा हमारे पास है फॉर्मर डेवलपर और टेस्टर, जो पहले से ही कोई प्रोडक्ट, उन्होंने उस तरीके की प्रोडक्ट कोई डेवलपर डेवलप किए, उसको भी हायर कर सकते हैं. बट दैट ऑब्वियसली डजंट मीन कि वो फॉर्मर डेवलपर जो था वो बहुत अच्छे से उन प्रोडक्ट्स, उन इंफॉर्मेशन को जो है वो गैदर करके ला सकता है.
क्योंकि उसने सिर्फ पहले एक प्रोडक्ट डेवलप किया है, तो अब टाइम टू टाइम प्रोडक्ट की इन्हेंसमेंट हो गई है या फिर वो पहले वाला प्रोडक्ट आउटडेट हो गया। सो फॉर्मर डेवलपर इज नॉट अ गुड चॉइस कि वो रिक्वायरमेंट्स गैदर करे और बिजनेस एनालिस्ट का रोल प्ले करे, लेकिन उसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स पता होंगे, इस लिहाज से वो अच्छा भी है। इसके अलावा है फॉर्मर प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसने पहले से उसी तरह के प्रोजेक्ट पे सबसे काम करवाया है, अब उसी को हम यूटिलाइज करें बिजनेस एनालिस्ट के लिए। सो वो किस तरीके से अच्छा काम कर सकता है, जाहिर है वो उस प्रोजेक्ट से गो थ्रू हो चुका है, उसने वो उस तरह का प्रोजेक्ट बनाया, अब वो रिक्वायरमेंट्स भी अच्छे से लेगा, लेकिन डेफिनेटली वो हाई लेवल मैनेजमेंट करता रहा है, सो मे बी उसे सर्टन कॉर्नर्स इश्यूज का पता ना हो, सो उस तरीके से वो भी बिजनेस एनालिस्ट अच्छा नहीं हो सकता। इसके अलावा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कि इंडस्ट्री में ऐसे बंदे को हम बिजनेस एनालिस्ट बना दे जो उस सब्जेक्ट के लिहाज से अच्छा हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हम कोई रेलवे के लिए मॉड्यूल बनाते हैं, तो अगर कोई किसी बंदे के पास रेलवे के लिहाज से इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो हम उसी को बना देते हैं ताकि वो जाकर रेलवे वालों से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करवा के ला सके। इसी तरह कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो हम उसी बंदे को हायर कर लेते हैं, उसी पर्सन को हायर कर लेते हैं जो जिसके पास इस तरह का कॉन्फ्रेंसिंग का वीडियो का नॉलेज हो। सो जिसने पहले से उस पर काम किया होगा, जो उसका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो। अब इसमें डेफिनेटली क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, उसको टेक्निकली सारा नॉलेज है, तो इसमें क्या एम्बिग्विटीज आ सकती हैं? वैसे तो वो अच्छा काम परफॉर्म करेगा, अच्छी परफॉर्मेंस देगा, लेकिन स्टिल वो क्या करेगा, वो कुछ चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी दे देगा, कुछ चीजों को कम, वो अपनी एक्सपर्टीज वहां पर बेसिकली बाइस्ड हो जाएगा, वो अपनी एक्सपर्टीज की तरफ बाइस्ड हो जाएगा कि वो क्या चाह रहा है, वो अपनी राय पे ज्यादा फोकस करने लग जाएगा। सो इट्स समथिंग साइकोलॉजिकल। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो होते हैं वो इस तरीके से कर लेते हैं, लेकिन स्टिल वो इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से गैदर कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज रूकी। बेसिकली रूकी कौन है, वो एक नया फ्रेशली हायर्ड पर्सन हो सकता है आपकी इंडस्ट्री में, जो अभी आया है, जाहिर बात है वो इनोवेटिव आइडियाज लेके आ सकता है, उसके पास नॉलेज हो सकता है, वो कुछ इनोवेशन लेके आ सकता है, लेकिन जाहिर बात है वो फ्रेश है, वो चीजों को मैनेज करना भी अच्छे तरीके से नहीं जानता, और ना ही ये जानता है कि इंडस्ट्री में किस तरीके से काम हो रहा है। सो वो प्रोसेस से थोड़ा दूर है, और वो फ्रेशली है, तो जाहिर बात है कि वो अभी उसको रिक्वायरमेंट्स का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस वो शायद इतना अच्छा बिजनेस एनालिस्ट ना हो, लेकिन यस वो इनोवेटिव आइडियाज लेके आ सकता है। सो दीज ऑल द पर्सन मे हैव डिफरेंट एडवांटेज फॉर मेकिंग देम बिजनेस एनालिस्ट, और इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं अगर उन्हें बिजनेस एनालिस्ट बनाया जा सके। सो ये डिफरेंट है कि आप इंडस्ट्री में है, तो ये डिपेंड करता है सिनेरियो टू सिनेरियो कि आपके पास किस तरह का प्रोडक्ट आ रहा है जिसके लिए आप ये इस टीम में से कोई एक मेंबर जो है वो उसको बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे हायर कर रहे हैं। सो द टॉपिक इज ओवर। द रेफरेंस इज योर बुक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स बाय कार वीगर एंड जॉय ब्यूटी। देन यू कैन मे आस्क क्वेश्चंस, एंड इफ यू हैव एनी क्यूरीज डोंट हेजिटेट टू आस्क, एंड रिमेंबर द थिंग्स दैट व्हाट यू आर जो आप सीखते जा रहे हो उसको प्रैक्टिकली अपने ऊपर अप्लाई भी करो। फॉर एग्जाम्पल आपके कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने कोई सॉफ्टवेयर सोचा हुआ है, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स लेने की कोशिश करें। इस तरह से प्रैक्टिकल आप रहेंगे तो आपको ये फायदा होगा कि आप एक पेपर लें, पेन लें, और कोई सॉफ्टवेयर अपने जहन में रखें, उसकी रिक्वायरमेंट्स लिखने की कोशिश करें, चार स्टेप से गुजरें। ठीक है, वो जो चार स्टेप्स चार फेजेस आपने पढ़े उनसे गुजरें, तो आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से रिक्वायरमेंट्स गैदर करना मुश्किल काम और इम्पॉर्टेंट काम। एनीवेज थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।